शुरू में हमें एक आइसक्रीम वाले को दिखाया जाता है जिसे लोग आइसक्रीम किंग के नाम से जानते हैं। तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं और उस पर गोलियाँ चलाने लगते हैं और उसे मार देते हैं। तभी हमें ग्रेगरी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो उस आइसक्रीम वाले की मौत को देख के बहुत ही दुखी होता है क्योंकि वो उस आइसक्रीम वाले को अपना आइडियल मानता था। ग्रेगरी को देख के हमें पता चलता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसके बाद हमें कुछ चल बात का दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रेगरी बड़ा होकर आइसक्रीम वाला बन गया होता है। ग्रेगरी का बिहेवियर देख के हमें पता चलता है कि उसकी दिमागी हालत अभी भी ठीक नहीं हुई है। अब जब रॉगर और उसके कुछ दोस्त उसके पास आइसक्रीम लेने जाते हैं तो उनको ग्रेगरी डरावना लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रेगरी अपनी आइसक्रीम कीड़ों से बनाता है लेकिन बच्चों को उसकी आइसक्रीम बहुत पसंद आती है। फिर जब शाम को ग्रेगरी अपना ट्रक लेके पार्क में जाता है तो रॉगर उसके पास आइसक्रीम लेने के लिए आता है। तभी ग्रेगरी चाकू उठाने लगता है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ ग्रेगरी अपना ट्रक लेके अपने रूम पे आता है। तभी एक डॉग उस पे भौंकने लगता है तो ग्रेगरी उस डॉग को मार देता है। अपने डॉग की आवाज सुनकर वार्डन चेक करने अपनी खिड़की में आती है तो उसे वहाँ पे ग्रेगरी दिखता है। तो वो ग्रेगरी से पूछती है कि तुमने मेरे डॉग को देखा है? तो ग्रेगरी झूठ बोलता है और मना कर देता है। तभी वार्डन ग्रेगरी के चेहरे पर खून देखती है तो ग्रेगरी उसे चख के कहता है कि ये तो मेरा आइसक्रीम का इंग्रेडिएंट है। वार्डन ग्रेगरी की लैंडलॉर्ड है जो ग्रेगरी को अच्छे से जानती है। उसके बाद ग्रेगरी अपने ट्रक के पास जाता है और उस मरे हुए डॉग को मशीन में डाल के उसका पेस्ट बना देता है। दूसरी ओर जॉनी की मॉम को रॉगर की मॉम का कॉल आता है और कहती है रॉगर मिसिंग है। इससे वो डर जाती है और जॉनी से शाम को बाहर जाने से मना करती है। अपने घर के गार्डन में ग्रेगरी सोया होता है और वो सपना देख रहा होता है। तभी वार्डन आके उसे जगा देती है और वो वहां से चली जाती है। फिर ग्रेगरी अपना आइसक्रीम ट्रक लेके निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे दो पुलिस वाले मिलते हैं और पूछते हैं कि कल रात को पार्क में से एक बच्चा गायब हुआ है, अगर तुम्हें कुछ पता चले तो बताना। तो ग्रेगरी पुलिस वाले से उस बच्चे के बारे में पूछता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि ये बात सीक्रेट है। उसके बाद एक पुलिस वाला एक आइसक्रीम ऑर्डर करता है। जब ग्रेगरी उसके लिए आइसक्रीम बनाने जाता है तो यहाँ पे हमें इंसान के मांस दिखाई देता है। इससे ग्रेगरी अपनी आइसक्रीम में मिला के बेचता है। वो उस पुलिस वाले की आइसक्रीम में एक आंख डालता है। फिर जब वो आइसक्रीम खाता है तो उसे वो आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। तो वो पुलिस वाला पूछता है कि ये आइसक्रीम में तुम क्या डालते हो? तो ग्रेगरी भी पुलिस वाले को कहता है कि ये एक सीक्रेट है। फिर शाम को जब पॉल अपने घर पे जा रहा होता है तो उसको ग्रेगरी मिलता है और उसे आइसक्रीम खाने को कहता है लेकिन वो मना कर देता है। लेकिन ग्रेगरी उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और उसे फ्री में आइसक्रीम देता है। तभी ग्रेगरी का एक औजार नीचे गिरता है जिसपे खून लगा होता है जिसे पॉल देख लेता है। तभी ग्रेगरी पॉल का अपहरण करता है। तभी पॉल का दोस्त टूना ग्रेगरी को देख लेता है। तभी ग्रेगरी की नजर उस पे पड़ती है तो टूना वहां से भागने लगता है और एक झाड़ी में जाके छिप जाता है। तभी उसकी नजर रॉगर पर पड़ती है तो वो कहता है कि ग्रेगरी ने कल एक आदमी को मार दिया था जो मैंने देख लिया था, इसलिए मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ। इसके बाद ट्यूना अपने घर जाके अपनी मॉम और डैड को ग्रेगरी के बारे में बताने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मॉम और डैड झगड़ रहे होते हैं इसलिए उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसके बाद ट्यूना अपने बेडरूम में चला जाता है। ग्रेगरी उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ जाता है लेकिन वो ट्यूना के डैड को देख के वहां से चला जाता है। दूसरे दिन ट्यूना की मॉम उसे बाहर घूमने के लिए ले जाने को कहती है लेकिन ट्यूना ग्रेगरी के डर से घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। फिर भी उसकी मॉम उसे मना लेती है और उसको अपने साथ बाहर ले जाती है। तो ग्रेगरी उसका पीछा करते हुए आता है तो टूना उसे देख के वहां से भागने लगता है। उसके बाद ग्रेगरी उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद टूना एक जगह पे जाके छिप जाता है तो उसकी मॉम वहां पे आ जाती है और उसके बाद टूना अपनी मॉम को बताता है कि ग्रेगरी ने पॉल का अपहरण किया है। उसके कुछ देर बाद पुलिस ग्रेगरी की फैक्ट्री में आ जाते हैं और यहाँ पे सब चेक करने लगते हैं लेकिन पुलिस को वहां से कुछ भी नहीं मिलता। अब ग्रेगरी पुलिस वालों से कहता है कि आज तुमने यहाँ पे जो भी कुछ किया है उसे आने वाले दिनों में बच्चों की खुशी बर्बाद हो जाएगी। इस बात से पुलिस वालों को ग्रेगरी पे शक होता है इसलिए वो अपने लोगों को ग्रेगरी पर नजर रखने को कहता है। पुलिस वाले के जाने के बाद ग्रेगरी पॉल को बाहर निकालता है जिसे उसने फैक्ट्री के नीचे छुपा के रखा था। फिर पॉल उससे डरने लगता है तो ग्रेगरी उसे आइसक्रीम देता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। इसके बाद पॉल और ग्रेगरी दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब टूना रॉगर और हैदर ये तीनों मिलकर ग्रेगरी की असलियत बाहर लाने का सोचते हैं क्योंकि ग्रेगरी अभी भी उस इलाके में घूम रहा था, इससे वहां के लोगों की जान खतरे में थी। अब तीनों ग्रेगरी के ट्रक का पीछा करने लगते हैं। तभी ग्रेगरी अपना ट्रक रोकता है और एक बैग में कुछ लेके कब्र की ओर जाता है। तब टूना को लगता है कि उसमें पॉल है लेकिन ग्रेगरी उसमें आइसक्रीम लाया था।
दरअसल वो कब्र आइसक्रीम किंग की थी, जिसे वो बहुत पसंद करता था। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और एक घर के पास जाके रुकता है, और वो उस घर की ओर जाता है। तभी हैदर उस ट्रक में जाके वहाँ की फोटोज लेती है और उसे कई जगह पे खून के निशान दिखाई देते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह हैदर खींची फोटोज को डेवलप करने की शॉप पे जाती है, लेकिन फोटोज डेवलप होने में टाइम लगने वाला था, इसलिए वो कैमरे की फिल्म को देख के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ग्रेगरी को दिखाया जाता है जो टूना के डैड का पीछा करते हुए एक लड़की के घर तक जाता है, जिसके साथ मार्टिन का चक्कर चल रहा होता है। मार्टिन वापस जाने के लिए अपनी कार में बैठता है, लेकिन तभी ग्रेगरी अपना ट्रक उसकी कार के पीछे लगा देता है, तो उसे गुस्सा आता है और उसके ट्रक के पास जाता है। तभी ग्रेगरी उसे मार डालता है और उसके सिर को काट के आइसक्रीम बनाने के उस लड़की के पास ले जाता है, जिसे देख के वो चिल्लाने लगती है और ग्रेगरी उसे भी जान से मार देता है। दूसरी ओर हैदर के मॉम डैड कैमरा की फिल्म लेने शॉप पे जाते हैं, क्योंकि उसमें उनकी भी फोटोज थी। तभी उसकी मॉम खून को देख लेती है और चिल्लाने लगती है। इसके बाद हमें पॉल और ग्रेगरी को दिखाया जाता है, जहाँ पे पॉल ग्रेगरी को अपना आइडल मानने लगता है और उसके साथ आइसक्रीम बनाना भी सीखता है। अब जॉनी और उसके दोस्त रात को साइकिल चला रहे थे, उसके बाद वहाँ पे ग्रेगरी आता है और उनका पीछा करता है। फिर टूना को वो पकड़ लेता है और टूना को फ्रीज में कैद कर देता है। उसके बाद जॉनी हेल्प के लिए अपने बड़े भाई जैकब के पास जाता है और वो हेल्प के लिए मान जाता है। दूसरी ओर ग्रेगरी पॉल को आइसक्रीम किंग के बारे में बता रहा था, तभी जॉनी अपने भाई जैकब के साथ यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद जैकब सबको कार में बैठने को बोलता है और वो अंदर जाता है, लेकिन ग्रेगरी को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई आया है, इसलिए वो पॉल को छुपा देता है और वो भी छिप जाता है। और जैकब जैसे ही अंदर जाता है, तभी ग्रेगरी उसे भी मार देता है। उसके बाद ग्रेगरी जैकब के कपड़े पहन के बाहर आता है और उनके साथ कार में बैठ जाता है, तो सब लोग डर जाते हैं और बाहर भाग जाते हैं। तभी ग्रेगरी जैकब की गर्लफ्रेंड को मार देता है और पॉल ये सब देख के हंस रहा होता है। जॉनी और हैदर को एक पुलिस की कार दिखाई देती है, तो वो लोग हेल्प के लिए वहां जाते हैं, तो वो देखते हैं कि वो मर चुके हैं। इसे देख वो डर जाते हैं और छुप जाते हैं, लेकिन तभी ग्रेगरी अपने हाथ में उन पुलिस वालों के कटे सिर को लेके वहां आता है, तो वो दोनों डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। फिर ग्रेगरी भी उनका पीछा करता है, तभी पॉल उसे देख लेता है और उनकी हेल्प करने की सोचता है। फिर चिल्लाने की आवाज सुन के वार्डन बाहर आती है, तो ग्रेगरी कहता है कि वो बच्चों के साथ हाइड एंड सीख खेल रहा है। फिर वो अपने रूम में चली जाती है। तभी जॉनी और हैदर वार्डन के पास आते हैं और कहते हैं कि ग्रेगरी उनके पीछे पड़ा है, तो वार्डन को लगता है कि ये दोनों बच्चे ग्रेगरी के साथ हाइड एंड सीख खेल रहे हैं, तो वो अपने रूम में छुपा लेती है। तभी टूना फ्रिज से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो ग्रेगरी वहां पे पहुंच जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी दो पुलिस वाले वहां पे पहुंच जाते हैं, लेकिन ग्रेगरी अपने ट्रक में छिप जाता है। फिर दोनों पुलिस वाले जैसे ही ट्रक के पास जाते हैं, तभी ग्रेगरी ट्रक की छत पे से नीचे आता है और उनको बेहोश कर देता है। तभी मौका पाके टूना वहां से भाग जाती है। वार्डन उन बच्चों को ग्रेगरी के हवाले कर देती है, क्योंकि वो ग्रेगरी को जिताना चाहती थी। अब ग्रेगरी दोनों बच्चों को पकड़ के अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वहां पे पॉल आइसक्रीम किंग की एक फोटो लेके वहां आ जाता है। ग्रेगरी उसे आइसक्रीम किंग समझता है और वो उसके पीछे जाने लगता है। फिर पॉल उस फोटो को एक मशीन के पास जाके रख देता है, तब ग्रेगरी उस फोटो को लेने जाता है। तभी पॉल उस मशीन को ऑन कर देता है और इससे ग्रेगरी उसमें गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सबकी जान बच जाती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जॉनी और उसके सभी दोस्त खुश हैं, लेकिन पॉल को पागलों के हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। इसके बाद हमें पॉल को दिखाया जाता है जो एक अंधेरे कमरे में बैठ के आइसक्रीम बना रहा होता है। तभी वो एक स्माइल देता है, तो हमें पता चलता है कि वो अब ग्रेगरी के जैसा बन चुका है और फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।